प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से मैं राम सुरेश सिंह आपके समक्ष भौतिकी भाग 3 वर्ग 10 के लिए लेकर उपस्थित हूँ। भाग 3 का अर्थ हुआ आज भौतिकी का तीसरा दिन है। इससे पहले 2 दिन हम पढ़ा चुके हैं। आज का प्रश्न प्यारे बच्चे आपके लिए है, मानव नेत्र का वर्णन करें, यानी हम लोगों की आंख यानी नेत्र आंख को कहा जाता है, आंख का वर्णन करना है। प्यारे बच्चे ये जो फोटो बनाए हैं यह मानव नेत्र का फोटो है। यह भाग हमें याद करना होगा कि पछमावी पेशिया इसको कहा जाता है, दृढ़ पटल बाहरी भाग को कहते हैं, रेटिना इसके अंदर के भाग को कहा जाता है, दृढ़ तंत्रिका बाहर की भाग होती है, अंडबिंदु यहाँ बीच की भाग होती है, और यह जो होती है वह क्रिस्टली लेंस होता है, और नेत्रोड इस भाग को कहा जाता है, और यहाँ पर हमारी पुतली होती है, और यह जो भाग होती है परिनालिका होती है, और यह बाहर की जो भाग होती है कॉर्निया होता है। प्रिय बच्चे हम मानव नेत्र के पहले भाग को याद करेंगे, क्रिस्टली लेंस, नेत्रोड, पुतली, परिनालिका, कॉर्निया, पछमावी पेशिया, दृढ़ पटल, रेटिना, दृढ़ तंत्रिका तथा अंडबिंदु। इस तरह से हम मानव नेत्र का फोटो बनाएंगे और इसी के आधार पर हम बारी बारी से इनके भाग का वर्णन करेंगे कि कौन सा भाग हमारे आंख में कहां पर होता है। इस फोटो से स्पष्ट है कि कौन सा भाग कहां पर है। प्रिय बच्चे अगर आपको अभी तक की पढ़ाई अच्छी लगी हो या लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक पढ़कर समझने की कोशिश करें। आपकी सफलता, बोर्ड में आपको अच्छा अंक जब आ जाएगा तो हम अपने आप में समझेंगे कि हमारा पढ़ाई अच्छा आपको लगा और आपको हमारे पढ़ाई से लाभ हुआ। इसलिए बच्चे इस पर मेहनत करें और अगर समझ में आता है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लीजिए, मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, दृढ़ पटल, यहां पर देखिए दृढ़ पटल कहां है, जो है यहां पर दृढ़ पटल है, कॉर्निया कहां है, कॉर्निया यहां है, आयरिस या पुतली यहां कहां है तो यहां है, नेत्र लेंस कहां है तो नेत्र लेंस आपको यहां है, क्रिस्टली लेंस यहां नेत्र लेंस इसको कहा जाता है, कोराइड कहां है आपको ये देखना है, कोराइड कहां है, उसके बाद में जो है यहां लिखा हुआ है दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं, यानी इसको अंड बिंदु को कोराइड कहा जाता है जो दृढ़ पटल के नीचे होती है। उसके बाद में रेटिना होती है, तो रेटिना हमारा कहां है, यहां है। प्यारे बच्चे रेटिना हमारे आंख का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। प्यारे बच्चे दृढ़ पटल मनुष्य का नेत्र लगभग खोखले गोले के समान होता है। प्रिय बच्चे हम लोगों की यह आंख एक खोखला गोला के जैसा होता है, यह गोला है, गोल है, इसके अंदर यह खाली भाग है जिसमें कछाप ड्रॉ भरा रहता है, इसको हम लिख सकते हैं कछाप ड्रॉ, इसको हम कछाप ड्रॉ कहते हैं, इसका नाम होता है कछाप ड्रॉ, यह इसमें भरा रहता है। तो दृढ़ पटल मनुष्य का जो है नेत्र लगभग खोखले गोले के समान होता है, इसमें श्वेत अपारदर्शी, अपारदर्शी अर्थात प्रकाश को पार नहीं करने देना, रोकने
वाले परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह दृढ़ पटल जो बाहर से है, इधर से जब प्रकाश प्रवेश करती है तो यह बाहर नहीं जाने देता, अर्थात हमारे आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसको बाहर नहीं जाने देता। कॉर्निया, कॉर्निया यहाँ है, दृढ़ पटल के सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है। दृढ़ पटल के ठीक सामने का भाग, दृढ़ पटल के ठीक सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है। इसी भाग से बच्चे प्रकाश प्रवेश करते हैं, इसी भाग से प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। आयरिस, आयरिस अर्थात पुतली, कॉर्निया के पीछे, इस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी होता है जिसको हम जो है पुतली कहते हैं, आयरिस कहते हैं। इसमें प्रकाश पार कर, इससे ही प्रकाश पार करके लेंस पर पड़ता है, इस लेंस पर पड़ता है। प्यारे बच्चे, नेत्र लेंस अर्थात क्रिस्टलीय लेंस, पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस पुतली के पीछे ठीक यह नेत्र लेंस होता है जिस पर प्रकाश पड़ता है। इसी लेंस पर बच्चे प्रकाश पड़ता है जो उसको परावर्तित करके रेटिना पर भेजता है। कोराइड, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन को रोकती है। प्यारे बच्चे, यह अंडबिंदु अर्थात कोराइड, इसको जो है न जाने से जो है रोकती है, इसको पिट बिंदु भी कहा जाता है। परावर्तन को रोकती है यानी प्रकाश को वापस नहीं जाने देता। रेटिना, लास्ट मेरा पॉइंट है रेटिना। प्यारे बच्चे, यह रेटिना जो हमारा छठा भाग है, वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है जिसे हम देखते हैं, और इसी रेटिना को हम नेत्र का फिल्म कहते हैं। जैसे स्टूडियो में या कैमरा में फिल्म पर किसी वस्तु को उगाया जाता है और उसे साफ करके हम निकालते हैं, ठीक उसी तरह से फिल्म का काम हमारा रेटिना करता है। हमारे आंख में जो रेटिना है, उसी रेटिना पर किसी वस्तु का फोटो बनता है जिसे हम साफ साफ देखते हैं। प्यारे बच्चे, इस तरह से आप पहले इस मानव नेत्र को बनाने का अभ्यास करें। मानव नेत्र को बनाने का जब अभ्यास हो जाए तो इसका नाम को याद कर ले और नाम को दर्शाएं कि कौन सा भाग कहाँ है, दर्शाएं। प्यारे बच्चे, फोटो बनाना और रंगना एक कला है। फोटो तो बना सकते हैं लेकिन किस भाग को किस रंग से रंगे, कैसे रंगे, कौन सा रंग यानी घना रंगेगा, कौन बिरल रंगाएगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पेंटिंग में आप देखते हैं कि सब भाग को सब जो है ना रंग से नहीं रंगा जा सकता। जो भाग श्वेत रंगाएगा वो श्वेत से ही रंगाएगा, जो हरा रंगने वाला है हरा से ही रंगाएगा। तो यहां पर जो भाग जैसे रंगा हुआ है उस तरह से अभ्यास करें और जो जहां नाम लिखा हुआ है वहां पर नाम लिखे। प्यारे बच्चे, आपका मानव नेत्र का जो है क्रिया विधि भी पूछता है, तो मानव नेत्र के क्रिया विधि में हम लिखेंगे कि मानव नेत्र में कॉर्निया से जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह जो है परिनालिका होता हुआ पुतली में जाता है, पुतली से वह प्रकाश दृढ़ पटल पर जाता है, जहां दृढ़ पटल उस प्रकाश को पार करने से रोकता है, क्योंकि दृढ़ पटल अपारदर्शी होता है जिसके कारण वह प्रकाश रेटिना पर पड़ता है। जिस रेटिना पर हमारे आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना लिया जाता है, इस तरह से मानव नेत्र का कार्य हुआ। बच्चे ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है कि जो है दृढ़ पटल का आकार कैसा होता है, तो दृढ़ पटल का आकार गोलाकार होता है। दूसरा पूछता है प्रश्न कि दृढ़ पटल के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो दृढ़ पटल के सामने भाग को कॉर्निया कहते हैं।
आगे बच्चे पूछता है कि कॉर्निया के पीछे के लेंस को क्या कहते हैं, तो आयरिस या पुतली कहा जाता है। प्यारे बच्चे पूछता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस तरह से प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रश्न या लघु त्रिये में सिर्फ आपका मानव नेत्र का सचित्र नामांकित चित्र बनाना होगा, या अगर दीर्घ त्रिये है तो पूरा बनाना होगा। इस तरह से प्यारे बच्चे नेत्र से संबंधित आपको जो है ना सारे बिंदु को दर्शाया गया। अब नेत्र दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, आंख में हमारा दोष कैसे उत्पन्न होता है। नेत्र दोष तीन प्रकार के होते हैं, जो कल भाग चार में हम बतलाएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता क्या है, यानी नजदीक नहीं दिखलाई देता तो कौन दोष कहलाता है, कौन लेंस का चश्मा लगेगा, दूर नहीं दिखलाई देता तो कौन दोष है, कौन लेंस लगेगा, कौन लेंस का चश्मा लगेगा। और किसी व्यक्ति को बुढ़ापे के कारण अगर नजदीकी भी दिक्कत है, दूर भी दिक्कत है, तो उसे कौन लेंस लगेगा। इन सारी बिंदुओं पर कल यानी भाग चार में हम आपको समझाएंगे कि दृष्टि दोष क्या है। जय हिंद, जय भारत।